इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक का मतलब है कि जिसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी कैरियर्स हो सकते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखेंगे। इसके लिए इमेजिन करें कि एक सेमीकंडक्टर है, ये एक सेमीकंडक्टर है, इसको बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, लेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर इसमें एल है। अब इसमें सेमीकंडक्टर में जो करंट है वो दो वजह से है, एक इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से, एक होल की मोशन की वजह से, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एंड मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट, और होल करंट कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, होल्स, तो मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ होल ड्रिफ्ट ऑफ होल्स, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट है होल्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट मूव करेंगे होल्स, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल है। तो रूल नंबर वन, यहाँ पर बैटरी जो मैंने अप्लाई की उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जिसने उसका कितना था ई, और ई इज डी वी बाई डी आर से हम क्या लगा सकते हैं, ई इज इक्वल टू वी बाई एल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हमने सेमी कंडक्टर के अक्रॉस वो कितना है वी, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है एल, तो वी बाई एल। तो क्या ये स्टेप क्लियर है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, टोटल करंट जो होगा सेमी कंडक्टर का वो इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट के सम के इक्वल है, तो आई इज इक्वल टू आई ई प्लस एच आई एच, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन की क्या होती थी, आई बाई एन आई, तो यानी कि करंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ए इंटू ई, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में किया था, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वॉज आई बाई एन आई। सिमिलरली होल के अंदर भी वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट क्या होगी, आई बाई एन आई। एक बार ये इक्वेशन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एक बार ये इक्वेशन होल्स के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है यहाँ और यहाँ करंट को पुट करेंगे तो टोटल करंट क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट, तो ये कॉमन आ गया ई ए, यहाँ से ए नीचे आ गया, आई बाई ए की रेशियो आ गई। इस इक्वेशन को संभाल के रखो, ठीक। अब मुझे पता है जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रो एल बाई ए, और रेजिस्टिविटी क्या होती है आर ए बाई एल। और हमने इक्वेशन की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की फर्स्ट इक्वेशन वी बाई एल और रो की इक्वेशन आर ए बाई एल, दोनों को डिवाइड कर दो, तो E इज V बाई एल, रो इज आर ए बाई एल, एल से एल कैंसल, तो ये क्या बनेगा V बाई आर ए। तो V बाई आर क्या होता है, करंट, तो I बाई ए की रेशियो क्या आ गई E बाई रो। तो आप इस इक्वेशन में, यहाँ पे इस इक्वेशन में I बाई ए की रेशियो क्या पुट करोगे, E बाई रो, तो ये इक्वेशन आ गई। और लास्ट हमने एक और टर्म की थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिसको बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट बाई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगी, वी ई इज इक्वल टू म्यू इंटू ई, और ऐसी वी एच क्या आएगा, म्यू इंटू एच ई, म्यू इंटू ई। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी एच और वी ई की जगह म्यू इंटू ई, म्यू इंटू ई, ये देखो यहाँ पे पुट किया म्यू इंटू ई, म्यू इंटू ई बाहर आ गया, म्यू इंटू ई ई बाहर आ गया, ई से ई क्या हो गया कैंसल। तो रेशियो किसकी आ गई, वन बाय रो, वन बाय रो क्या होता है सिग्मा, कंडक्टिविटी। तो फॉर्मूला आ गया कंडक्टिविटी का, इस फॉर्मूले को याद करें, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज ई टाइम इलेक्ट्रॉन का चार्ज टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऐसी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो ये फॉर्मूला आप इसमें याद करेंगे।